इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है लॉकडाउन और कोरोना वायरस को लेकर। अभी अभी की बड़ी खबर आ चुकी है, 4 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। हाई अलर्ट भी जारी हो चुका है अभी अभी। जी हाँ, 8 राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किन किन राज्यों में लॉकडाउन लग सकता है। कई राज्यों में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है और कई राज्य में 4 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन किन राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा है, किन किन राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है और क्या इस लॉकडाउन में ट्रेन चलेंगी या नहीं, और क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। इस प्रकार की सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो आप लोग इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 8 राज्यों में लॉकडाउन लगने वाला है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों से फिर चिंता बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन लग चुका है। देश के जिन राज्यों में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ देश के कुल मामलों में 80% मामले दर्ज हैं। इनमें से 74% मरीज 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी हर दिन केस बढ़ रहे हैं। इस बीच देश के कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई शहरों में लॉकडाउन को लगा दिया गया है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई शहर शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन जिलों में लॉकडाउन आज 26 मार्च से 4 अप्रैल तक के लिए लागू रहेगा। आपको बता दें, दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही बाजार, स्कूल, जिम, होटल, मॉल, सिनेमा हॉल को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पहले ही नागपुर में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन को लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ अब बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में भी रविवार को लॉकडाउन रहेगा। हर शनिवार रात 10 बजे से प्रतिबंध लागू हो जाएंगे, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इन जिलों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। दोस्तों, ये जो 4 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, क्या इस लॉकडाउन में ट्रेन चलेंगी या नहीं, क्या ट्रेनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है? तो दोस्तों, ट्रेनों को किसी भी प्रकार से बंद नहीं किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले सामने आने लगे हैं। गुरुवार को दिल्ली में 1515 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि किन शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट में 31 मार्च तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब के लुधियाना, पटियाला, होशियारपुर, जालंधर और फतेहगढ़ साहिब सहित कई शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली, हरियाणा, जयपुर, राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि किन किन राज्यों में लॉकडाउन लगा है और किन किन राज्यों में लॉकडाउन लगने वाला है और कहां कहां पर नाइट कर्फ्यू लगा है और क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। इस प्रकार की सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में दे दी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।